हेलो मम्मीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शिवा। जैसे कि हम सब जानते हैं, दिसंबर चल रहा है और अब जिन बच्चों को स्कूल में एडमिशन करवाना है, किसी को स्कूल चेंज करना है, किसी का ट्रांसफर है, ये सारी चीज़ें सामने आ रही है। तो हमें स्कूल के लिए बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन करनी होगी, जिसके कुछ पॉइंट्स मैं लेकर आई हूँ। अगर उन पॉइंट्स को ध्यान में रखकर अगर अपने बच्चे का एडमिशन आप कराएंगे तो आपको पूरे साल पछताना नहीं पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और इतना सारा पैसा वेस्ट नहीं होगा। यूनिफॉर्म, किताब, कॉपी, स्कूल एडमिशन फीस, ये सारी चीज़ें वेस्ट नहीं होगी, क्योंकि बार बार तो हम बच्चे का स्कूल नहीं चेंज कर सकते ना। कोशिश ये करनी चाहिए कि नर्सरी से 12th तक बच्चा एक स्कूल में पढ़े, अनलेस और अंटिल कोई इमरजेंसी ना हो। तो चलिए पॉइंट में बताती हूँ। सबसे पहला पॉइंट है आपके घर और स्कूल के बीच का डिस्टेंस। जो भी स्कूल आपने शॉर्टलिस्ट किया है उसकी डिस्टेंस जरूर ध्यान रखें कि 3 से 4 किलोमीटर से ज्यादा ना हो बच्चे का घर से स्कूल जाना, क्योंकि बच्चे को रोज ट्रैवल करना होगा। बच्चा घर से सुबह स्कूल निकल रहा है, जितनी ज्यादा दूर स्कूल होगा उतनी जल्दी निकलेगा घर से और उतनी ही देर में आएगा। तो बच्चा इतना एग्जॉस्ट हो जाएगा कि आप क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे बच्चे से कि बच्चा अच्छी पढ़ाई करे, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छी पढ़ाई करे, इसलिए हम अच्छा स्कूल चूज करते हैं, राइट। तो आप अपने बच्चे के घर से जो स्कूल का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग स्कूल्स आप कुछ लिस्ट बना लीजिए जो बेस्ट स्कूल्स हैं उस 3-4 किलोमीटर के अंदर। क्योंकि देखिए, महीने में एक बार मीटिंग में आपको भी जाना होगा, हर बार हस्बैंड फ्री नहीं होते, कभी कभी हमें अकेले भी जाना पड़ जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है कि हम इतनी दूर स्कूल जाते हैं और खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी हो जाती है तो भी स्कूल जाना बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाता है कि हम स्कूल कैसे जाएं। करीब होगा तो इतनी टेंशन नहीं होगी और हम फटाफट से पहुंच जाएंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये है कि वो जो लिस्ट आपने बनाई है उसमें अब उस लिस्ट को आप साइड रख दें। आप सेकंड पॉइंट हमारा ये होना चाहिए कि हम किस बोर्ड में बच्चे को डालना है। ICSE बोर्ड, UP बोर्ड, CBSE बोर्ड, IB बोर्ड, बहुत सारे बोर्ड्स हैं। अब जिस बोर्ड में आप बच्चे को डालना चाहते हैं उस बोर्ड के स्कूल को आप उस लिस्ट से शॉर्ट लिस्ट कर लें, ठीक है। अगर आपको बोर्ड पे वीडियो देखना है तो उस पर भी मेरे चैनल पर वीडियो, इस वीडियो के एंड में मैं उसका लिंक आपको दे दूंगी, वो आप वीडियो जरूर देखिए। आपको बहुत क्लियर पता चलेगा कि ICSE और CBSE बोर्ड में क्या डिफरेंस है और आप वीडियो के एंड तक ये जरूर समझ जाएंगे कि आपको अपने बच्चे को किस बोर्ड में डालना चाहिए। उसके अलावा अगर आप बच्चे का एडमिशन करा रहे हैं तो इंटरव्यू में पूछे जाने वाले top 10 questions भी मैंने वीडियो बनाया है। मैंने अपने बच्चों का 3 स्कूल चेंज कराया, मतलब पहले प्ले स्कूल में थी मेरी बेटी, अब दूसरे स्कूल में गई और मेरा बेटा भी। तो उन इंटरव्यूज़ के अकॉर्डिंग मैंने कुछ top 10 questions बनाए हैं, वो आप देख सकते हैं। तो उससे क्या होगा, अभी जब आप एडमिशन में इंटरव्यू के लिए जाएंगे उससे भी आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। तो ये दोनों वीडियोज़ आप ज़रूर चेकआउट करिएगा, ठीक है। तो 2 points हो गए हमारे, बोर्ड और डिस्टेंस। अब जो हमने स्कूल शॉर्टलिस्ट किया, अब धीरे धीरे हम उस स्कूल का पता लगाना स्टार्ट करते हैं। या तो आप उन बच्चों से मिलें जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, मोहल्ले में होगा, रिलेटिव्स में, जो भी होगा उनसे। अदरवाइज आप स्कूल जाएं और वहाँ प्रॉपर्टी जाकर खुद चेक करें कि कैसा प्ले ग्राउंड है, कैसा सिस्टम है स्कूल का, अगर वो लोग अलाउ करते हैं। नहीं करते हैं तो आप स्कूल की छुट्टी के बाद कुछ सीनियर बच्चों से मिल सकते हैं, जो मैंने किया था। कुछ सीनियर बच्चों से, 9th-10th के बच्चों से मिलिए, 8th के बच्चों से मिलिए और पता लगाने की कोशिश कीजिए कि स्कूल कैसा है, पढ़ाई कैसी है। और जो बच्चा स्टार्टिंग से पढ़ा है वो आपको बहुत क्लियर बताएगा, और आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। तो ये 3 पॉइंट हो गए। पॉइंट नंबर 4, आप जब भी एडमिशन कराने जाएं उससे पहले आप बच्चे का प्रॉपर्टी, स्कूल की प्रॉपर्टी में जाके ये ज़रूर देख लें कि वहाँ पे पानी का जो भी सप्लाई है वो कैसा है, बच्चा पानी मेरा कहाँ से पीने वाला है, वो घर से वाटर बॉटल लेके जाएगा, उसके बाद जब ख़त्म होगा तो वो पानी कहाँ से पिएगा, कहाँ से ये लोग पानी सब बच्चों को दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वॉशरूम ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि हाइजीन का सवाल है। बच्चा वॉशरूम तो जाएगा ही जाएगा, विंटर्स में तो बच्चे 2 बार चले जाते हैं, तो वॉशरूम की क्या कंडीशन है एक बार ये भी चेक कर लें। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सिक्योरिटी, आप ये ज़रूर चेक कर लें सिक्योरिटी कैसी है, बच्चों को किसी के भी हैंड ओवर तो नहीं करते, कोई नाम बता कर ले जा रहा। क्योंकि देखिए, जो स्कूल अभी स्टार्ट हुए हैं वो तो इन सारी चीज़ों का बहुत ध्यान दे रहे हैं, लेकिन जो एक ब्रांड बन चुके हैं ना स्कूल, जो बहुत अच्छे स्कूल हैं, जो आई होप कि आप सबने शॉर्टलिस्ट किया होगा, उनमें ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि अब उनका नाम बन गया है तो एडमिशन धड़ाधड़ हो रहे हैं। और जो अभी जिन्होंने अभी नया स्कूल खोला है 2-4 साल 5 साल पहले, उन्हें ब्रांड बनाना है तो वो इन चीज़ों का ध्यान दें। तो प्रॉब्लम बड़े स्कूल्स में ही आ रही है और हम सब अपने बच्चों को ब्रांड में ही डालना चाहते हैं जो ब्रांड बन चुका है स्कूल। तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान दें और आपकी ये जो स्कूल की नर्सरी से 12th तक की जर्नी होगी ना, बहुत स्मूथ होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हाँ, क्लास की स्ट्रेंथ भी ज़रूर पता करें कि ऐसा तो नहीं 50-60 बच्चों को एक एक सेक्शन में रखा हुआ है और एक ही टीचर कितना ध्यान दे पाएगी बच्चों पे। तो ये सारी चीज़ें आप
एक जगह नोट करें ये सारी चीज़ें, जब भी आपकी फुलफिल होती है इन्हें टिक करें तब एडमिशन कराएं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे का अच्छा स्कूल में जाना और अच्छे एटमॉस्फेयर में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें ध्यान दें, आपका स्कूल का जो जर्नी है बहुत अच्छी जाएगी। आई होप यू लाइक द वीडियो, इफ यू डू सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट ऑन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।